हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या BIS भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है 171 आप लोग की वैकेंसी है, जिसमें कि स्टेनोग्राफर से असिस्टेंट सभी के लिए इसमें वैकेंसी है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के लिए वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी आज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्या इसकी फीस है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उत्पादकों के मानक उसके स्टैंडर्ड तय करती है और उसकी जांच करती है। जी हाँ, तो चलिए पूरी डिटेल में आप लोग को देता हूँ। जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पे आएंगे, आप लोग देखेंगे सबसे ऊपर राइट साइड में एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2020 चल रहा है। इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग को जो है इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को पूरी जानकारी दे रखी है पूरी पोस्ट के बारे में। इसमें नीचे जैसे ही आप लोग व्यू डिटेल पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग दोनों में ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, इसके ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं 5 सितंबर से, जो कि 26 सितंबर तक चलने वाले हैं। तो यदि आप लोग भी इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इसके ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो आप लोग के लिए बना दूं। तो हिंदी इंग्लिश आप लोग किसी में भी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इंग्लिश में पूरी जानकारी मैं आप लोग को देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये पेज जो है आप लोग का PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को BIS के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो कि बॉडी अंदर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है। इसमें आप लोग की जो है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्टिविटी इन फील्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो आप लोग के उत्पाद है उनके स्टैंडर्ड्स वगैरह तय करती है, और जो उसकी सिस्टम हॉलमार्किंग वगैरह, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी जो आप होती है, आप लोगों ने सुना भी होगा हॉलमार्क। जी हाँ, हॉलमार्क गोल्ड में जो BIS के मानकों के द्वारा, ठीक है, ये आप लोग ज़रा सारा जो है BIS तय करती है। इसके अलावा जो भी लेबोरेटरी जांच वगैरह से रिलेटेड काम होती है सारा का सारा BIS का ही होता है। इसमें आप लोग की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकली हुई है। चलिए वन बाय वन मैं आप लोग को बताता हूँ किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। इसमें सबसे पहले जो ग्रुप ए की वैकेंसी है, इसमें आप लोग असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 35 ईयर एज मांगी गई है। लास्ट एज जो मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए, वैकेंसी 2 निकली हुई है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग के लिए 35 मैक्सिमम एज है और 1 वैकेंसी निकली हुई है। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबोरेटरी के लिए 35 मैक्सिमम एज और 1 वैकेंसी है। इसके बाद बारी आती है ग्रुप बी की। ग्रुप बी के अंतर्गत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी निकली 30 ईयर जो इसमें मैक्सिमम है, 17 पोस्ट आप लोग की निकली हुई है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 30 ईयर मांगी गई है मैक्सिमम, और इसमें जो वैकेंसी है 16 है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए 27 ईयर मैक्सिमम है और 1 वैकेंसी निकली हुई। इसके बाद बारी आती है ग्रुप सी की वैकेंसी की। ग्रुप सी के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी निकली हुई लेबोरेटरी असिस्टेंट की, 27 ईयर मैक्सिमम एज है और 1 वैकेंसी निकली है। इसके बाद आप लोग की स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी निकली है, इसमें सैलरी भी बताई गई है लेवल 4 25,500 से 81,100 आप लोग की सैलरी, 27 ईयर मैक्सिमम, 17 वैकेंसी है। इसके बाद जो आप लोग की सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें आप लोग की 25,500 से 81,100 आप लोग की सैलरी है, 27 ईयर मैक्सिमम है और 79 वैकेंसी। जी हाँ, सबसे अधिक वैकेंसी आप लोग की सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में निकली हुई। इसके बाद जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में आप लोग की जो सैलरी है 19,900 से 63,200 रुपए आप लोग की सैलरी है, 27 ईयर मैक्सिमम और 36 वैकेंसी। इसमें भी काफी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। चलिए बाकी की डिटेल मैं आप लोग को नीचे देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को PWD कैंडिडेट के बारे में बताया गया, 40% डिजेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग की स्टार्ट हो चुके हैं 5 सितंबर से, 26 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो जल्द से जल्द आप लोग मुझे बताइए यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद बारी आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। तो आप लोग की जो डायरेक्टर की वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टर की, इसके लिए आप लोग के पास डिग्री होनी चाहिए लॉ में या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, साथ में आप लोग के पास होना चाहिए 3 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर के लिए आप लोग जो मास्टर डिग्री मीन्स आप लोग के पास MBA मार्केटिंग होनी चाहिए, या फिर आप लोगों ने कर रखा हो मास्टर डिग्री इन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने कर रखा हो मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। इसके अलावा आप लोग के 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर लेबोरेटरी के लिए यहाँ पे मास्टर डिग्री आप लोग के पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। इसके अलावा या फिर आप लोगों ने कर रखा हो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोग के पास होना चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद बारी आती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जी हाँ, ये ग्रुप बी की वैकेंसी, ग्रुप बी की पोस्ट आप लोग की शुरू हो चुकी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके लिए आप लोग की जो है बैचलर डिग्री आप लोग के पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और इसके इक्विवेलेंट। तो बैचलर डिग्री का मतलब यहाँ पे BA BSc BCom BE BTech कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो आप लोग का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इसमें होने वाला है, ठीक है,
तो इसमें लेवल 6 का नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होगा। इसके अलावा द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइड नेचर, टेस्ट आप लोग का जो होगा ये क्वालिफाइड नेचर का होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। इसके अलावा क्वालिफाइंग स्किल इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है, तो ये आप लोग के टेस्ट होने वाले हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के हैं। बैचलर डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए। इसके बाद पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसमें भी आप लोगों को बैचलर डिग्री मांगी गई हो, जी हाँ बैचलर डिग्री मांगी गई हो, बीए बीएससी बीकॉम कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो आप लोग का टेस्ट होगा इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप लोग की लेवल 6 नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की होगी, ठीक है, ये भी आप लोग का जो क्वालिफाइंग नेचर का। इसके अलावा आप लोग का शॉर्ट हैंड होने वाला है इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश या हिंदी में आप लोग की, ठीक है, इसकी पूरी डिटेल दी हुई आप लोग पढ़ लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग पढ़ लेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगे तो आप लोग बताइएगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की जो वैकेंसी है इसमें आप लोग की मास्टर डिग्री या फिर आप लोगों ने कर रखा हो पोस्ट ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हिंदी, हिंदी में कर रखा हो, इंग्लिश आप लोग के पास एक सब्जेक्ट रहा हो डिग्री लेवल पर तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने मास्टर डिग्री बोली है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बोली है, डिग्री कर रखी है आप लोगों ने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और इंग्लिश में, लेकिन हिंदी आप लोग के पास एक सब्जेक्ट था डिग्री लेवल पे, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों ने कर रखा है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और इन हिंदी एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट डिग्री लेवल, या फिर आप लोगों ने कर रखा है मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन एनी सब्जेक्ट विद इंग्लिश हिंदी मीडियम, इंग्लिश हिंदी मीडियम में आप लोगों ने कर रखा है और हिंदी इंग्लिश जो आप लोग का सब्जेक्ट रहा हो डिग्री लेवल पे, तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग के पास होना चाहिए डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ठीक है, और टू या फिर आप लोग के पास हो टू ईयर एक्सपीरियंस तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, ग्रेजुएट आप लोगों ने कर रखा हो, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन लेबोरेटरी साइंस एंड 3 ईयर का आप लोग के पास एक्सपीरियंस है तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ग्रेजुएट विथ रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन लेबोरेटरी साइंस, ग्रेजुएट के साथ आप लोग के पास होना चाहिए डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और 3 ईयर का एक्सपीरियंस, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसमें यदि आप लोग बैचलर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं, बीए बीएससी बीकॉम कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो आप लोग का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ये आप लोग का लेवल 5 का होगा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग नेचर का आप लोग का टेस्ट होगा। इसके अलावा आप लोग का शॉर्ट एंड होगा इंग्लिश हिंदी, ठीक है, इसमें स्पीड आप लोग को बताएगी 80 वर्ड पर मिनट की, ये आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद बारी आती है सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की वैकेंसी, इसमें आप लोग की मांगी गई है बैचलर डिग्री यानी कि बीए बीएससी बीकॉम कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट आप लोग का जो स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का, और इसमें वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड आप लोग की 2000 की डिक्लेरेशन इन 50 मिनट होनी चाहिए, टेस्ट इन स्प्रेडशीट आप लोग की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है, 15 मिनट का आप लोग को टाइम मिलेगा, पावर पॉइंट में आप लोग का जो है यहाँ पे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। तो कंप्यूटर की नॉलेज उन लोगों को होनी चाहिए, कंप्यूटर का आप लोग यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, लेकिन बैचलर डिग्री है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बीए बीएससी बीकॉम बीई बीटेक कोई भी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट इसमें भी आप लोग को बैचलर डिग्री मांगा हुआ है यानी कि बीए बीएससी बीकॉम कोई भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप लोग का भी यहाँ पे होने वाला लेवल 5 का आप लोग को जो यहाँ पे टेस्ट होगा, ठीक है, और क्वालिफाइंग नेचर का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप लोग की टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी 10500 kdps या फिर 9500 जो आप लोग की दी हुई है, ठीक है, ये चीजें आप लोग देख लेंगे। इसके बाद बारी आती है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जी हाँ, जो कि ग्रुप बी की वैकेंसी है, 30 ईयर मैक्सिमम मांगी गई है ग्रुप बी की वैकेंसी, ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसमें आप लोग का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। जी हाँ, टाइपिंग स्पीड टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग जानकारी दी हुई है 10,015 वर्ड kdps, ठीक है, ये आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है 30 ईयर मैक्सिमम है, ग्रुप बी की वैकेंसी, ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसमें आप लोग का शॉर्ट हैंड टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी 27 ईयर मैक्सिमम है, ग्रुप बी की पोस्ट है, ऑनलाइन एग्जाम होगा और आप लोग का प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट फॉर ट्रांसलेटर यहाँ पे आप लोग का होने वाला है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट की 27 साल मैक्सिमम है, ग्रुप सी की वैकेंसी यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ऑनलाइन एग्जाम होगा और आप लोग का प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट लेबोरेटरी साइंस में आप लोग का यहाँ पे होने वाला, ये आप लोग का जो है क्वालिफाइंग नेचर होगा। स्टेनोग्राफर की 27 साल मैक्सिमम है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, शॉर्ट एंड टेस्ट आप लोग का होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा 18 वर्ड पर मिनट है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 27 साल मैक्सिमम, ग्रुप सी की वैकेंसी, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आप लोग की होने वाली है, वर्ड प्रोसेसिंग 2000 कीवर्ड और इसके अलावा जो आप लोग की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह, ठीक है, जो मैंने आप लोग को बता दिया ऊपर। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 27 साल मैक्सिमम है, ग्रुप सी की वैकेंसी, ऑनलाइन एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे भी आप लोग का होने वाला है। तो ये मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है एलिजिबिलिटी के बारे में। ऑनलाइन आप लोग के एग्जाम होंगे, एग्जाम की डिटेल आप लोग को दी हुई है, यदि आप लोग बताते हैं तो उसकी डिटेल में आप लोग को डिटेल में बता दूंगा, ठीक है, बाकी आप लोग को डिटेल दी हुई यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं।
जो आप लोग का रिटर्न से रिलेटेड पूरी जानकारी दी है। एज के बारे में यदि आप लोग एससी एसटी ओबीसी, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, पीडब्ल्यू को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 5 साल, ठीक है, पूरी डिटेल आप लोग को दी है। गवर्नमेंट जॉब के अनुसार जो भी छूट मिलती है वो आप लोग को मिलेगी। और इसके अलावा आप लोग को फॉर द पोस्ट आप पूरी डिटेल आप लोग पढ़ लेंगे, हिंदी में भी दिया हुआ आप लोग पढ़ लेंगे। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया जो आप लोग के सेंटर पड़े हुए हैं, टेस्ट सिटी सेंटर कौन कौन से, किस किस स्टेट में आप लोग के कौन कौन से शहरों में आप लोग के सेंटर पड़ेंगे, इसकी डिटेल दी हुई आप लोग पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो कट ऑफ वगैरह रहेगी, कैसे निकलेगी, ठीक है, ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। कैसे आप लोग को फॉर्म भरना है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह, फोन पेजेस, सर्कुलर वगैरह जो आप लोग को लेके नहीं जाना है एग्जाम के टाइम, ठीक है, ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। कॉल लेटर आप लोग का ऑनलाइन आने वाला है, ऑनलाइन अप्लाई, जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई आप लोग शुरू हो चुके हैं, जो कि 5 सितंबर से 26 सितंबर तक चलने वाले हैं। इसमें आप लोग का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप लोग के पास फोटोग्राफर सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए, ईमेल आईडी और फोन नंबर आप लोग के पास जरूर होना चाहिए, फोन नंबर और ईमेल आईडी वही होना चाहिए जो कि चालू हो। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बता दिया गया, इसका वीडियो मैं आप लोग को बना दूंगा यदि आप लोग बताते हैं तो। पेमेंट ऑफ फीस, यहाँ पेमेंट ऑफ फीस आप लोग की ऑनलाइन होने वाली है, मास्टर कार्ड, वीजा, डेबिट, क्रेडिट, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, किसी से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, प्रिंट आउट आप लोग निकाल के रख लेंगे। अब फोटोग्राफ अपलोड करने के बारे में इन्होंने बताया हुआ, आप लोग इसे पढ़ लेंगे, पूरी डिटेल पढ़ लेंगे। जो आप लोग की साइज यहाँ पे दी गई है 20 से 50 KB का फोटोग्राफ होना चाहिए, 200x 330 पिक्सल का आप लोग का होना चाहिए फोटोग्राफ। इसके अलावा जो सिग्नेचर है वो आप लोग का 140x60 पिक्सल का होना चाहिए। और जो यहाँ पे साइज दिया हुआ है आप लोग का इज नॉट मोर देन 20 KB, जी हाँ, 20 KB से आप लोग का ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर आप लोग का कैपिटल लेटर में नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम लगे तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे दूंगा। इसके अलावा जो आप लोग की इंपॉर्टेंट चीज है, जी हाँ, फीस यहाँ पे आप लोग की, यदि आप लोग डायरेक्टर वगैरह की पोस्ट के लिए भरते हैं, जी हाँ, आप लोग असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आप लोग भर रहे हैं या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर लेबोरेटरी के लिए, तो आप लोग यहाँ पे 800 रुपए पे करने हैं। इसके अलावा आप लोगों को 500 रुपए पे करने हैं यदि आप लोग जनरल ओबीसी और मेल कैंडिडेट हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है, जी हाँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है, A to Z BIS के अंतर्गत जो आप लोग की वैकेंसी निकली हो, यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे जल्द से जल्द बताइए ताकि मैं आप लोगों को इसका ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो बना के दे सकूं। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले ये कहूंगा, यदि चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो में आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।